क्या ये समझे कि वैक्सीन, चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो, कोरोना के खिलाफ अमरता कोई वैक्सीन नहीं दे सकता? बिल्कुल, अगर आप डेटा भी देखो तो हम जो हम डेटा बता रहे हैं, जो रिसर्च से, जो स्टडी से आया है, उसमें भी जो वैक्सीन की एफिकेसी 70 से 80% है। इसका मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ट्रायल में भी ऐसे था कि 100% तो था नहीं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना भी एक टाइप की वैक्सीन ही है, वो जो हम कहते हैं सोशल वैक्सीन है। तो अगर हम वैक्सीन भी लगाएंगे, टीका भी लगाएंगे और सोशल वैक्सीन भी लेंगे, तो हमें पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कोरोना से सरकार या सिस्टम नहीं बचा पाएगा, आदमी को खुद ही बचना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो कोरोना की लड़ाई है, ये लोगों के बीच वाली लड़ाई है, हॉस्पिटल की लड़ाई नहीं है। हॉस्पिटल में कोविड की लड़ाई नहीं जीती जाएगी, लोगों को आपस में इकट्ठे होके कोविड के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना पड़ेगा, वैक्सीन लगानी पड़ेगी, और तभी हम कोविड को हरा पाएंगे, जब हम उसकी उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से रोक पाए। ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है, अगर हम चाहेंगे तभी ये वैक्सीन वायरस आगे फैलेगा, अगर हम नहीं चाहेंगे तो वायरस आगे नहीं फैल सकता। ये मच्छरों वाली बीमारी नहीं है या और किसी तरीके से पानी की पानी से फैल जाए इन्फेक्शन, ऐसा नहीं है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को के क्लोज कॉन्टैक्ट में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है, इसलिए हमारे हाथ में है कि हम पूरे प्रिकॉशन रखें और इस वायरस को आगे ना फैलने दें। सर, हर दिन 1 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। पहले राउंड में जब कोविड था तो 1 लाख से कम केस आ रहे थे, उस समय ही अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई थी। अब जब 1 लाख से ज्यादा हो जा रहे हैं हर दिन केस, कितनी स्थिति के लिए तैयार हैं हम? तो पिछले दफा के पूरे अनुभव को अगर हम देखें तो तब भी लोगों ने तैयारी की थी कि 2 लाख रोज के केसेस भी हो सकते हैं, इसलिए सिस्टम जो था उस तरह से तैयार किया गया था और सिस्टम अभी भी तैयार है। लेकिन जैसे केसेस कम हुए तो कुछ हद तक सिस्टम में ढील पड़ गई कि हम अब नॉन कोविड केयर में भी ज्यादा ध्यान देने लग गए, क्योंकि कोविड कम हो गया था और चीजों के भी, जो लोग 1 साल से अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे थे उन पे भी ध्यान देना शुरू हुआ था। अब हमें वो फिर से कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, जिससे हम अपना जो पहले वाला सिस्टम था, 6 महीने पहले वाला सिस्टम, जहां पे हम पूरी तैयारी करके रखी थी कि अगर केसेस 2 लाख तक पर डे भी हो तो भी हम मैनेज कर सकते हैं, सिस्टम को फिर से वही लाना पड़ेगा और वही करना पड़ेगा, क्योंकि तब भी तैयारी हुई थी और उसमें पूरा इक्विपमेंट, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार किया गया था, कोविड हॉस्पिटल भी बनाए गए थे, कैंप्स बनाए गए थे, वही हमें फिर से करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जैसे लोगों में कोरोना के प्रति एक ठंडापन सा आ गया है, लोग परवाह नहीं कर रहे, क्या रिसर्च के स्तर पर भी ऐसा है? 2 वैक्सीन तो बहुत जल्दी आ गई दुनिया में, आगे क्या और कुछ चर्चा सुनाई नहीं दे रही? नहीं, रिसर्च तो पूरी हो रही है, क्योंकि लोगों को अभी भी कई क्वेश्चंस हैं जो अभी आंसर नहीं मिला। और मैं कहूंगा 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये है कि अभी तक भी हमारे पास वायरस को मारने की कोई इफेक्टिव दवाई नहीं है। वैक्सीन तो है जो हमें प्रिवेंशन देती है, लेकिन अभी तक इतनी रिसर्च हो रही है लेकिन हमारे पास कोई ऐसी इफेक्टिव दवाई नहीं है। रेमडेसिविर है लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। एंटीवायरल ड्रग हमारे पास अभी भी कोई इफेक्टिव नहीं है जो हम कहें हम किसी व्यक्ति ये लोगों को दें जिनको कोविड है और वो वायरस उनके शरीर से मर जाएगा, तो इस पे बहुत रिसर्च हो रही है। दूसरी रिसर्च जो हो रही है वो वैक्सीन पे है, क्या हम और बेहतर वैक्सीन ला सकते हैं जो वेरियंट्स को भी कवर करेंगी, जो हमें लंबी देर तक प्रोटेक्शन देगी, जिसके लिए एक ही टीके की जरूरत पड़ेगी, 2 टीके की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर हम किसी और रूट से दे सकते हैं, नेजल स्प्रे से दे सकते हैं जिससे इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठी ही वैक्सीन लग सकती है क्योंकि एक नाक में स्प्रे ही करने की जरूरत है। इस सारी चीजों पे रिसर्च जो है वो पूरी तरह से हो रही है, सर्वेलेंस हो रहा है क्योंकि नए नए वेरियंट्स आ रहे हैं, तो जीन सीक्वेंसिंग होगी कि इन वेरियंट्स जो है इन पे और इन वैक्सीन का क्या असर पड़ेगा, उस पर भी रिसर्च हो रही है। रिसर्च पूरी तरह से हो रही है लेकिन उसको उसका नतीजा आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। डॉक्टर साहब, आज आपका जन्मदिन भी है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इसके बावजूद आप अपने परिवार के साथ नहीं होकर आज तक पर देश के लाखों करोड़ों दर्शकों के साथ हैं, तो जाने से पहले केवल एक बार दर्शकों को बता दें कि अब ऐसी परिस्थितियों में उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि अगर हमें अपने केसेस कम करने हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर नहीं तो हॉस्पिटल की जो है हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत स्ट्रेन पड़ेगा, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए हमें पूरी तरह से फिर से निभाना पड़ेगा। तो मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा कि आप मास्क अपना जरूर लगाएं जब बाहर जाएं, क्राउडेड एरियाज अवॉइड करें या क्राउड ना बनने दें,
अगर कुछ दिनों के लिए हम मार्केट नहीं गए या हमने शॉपिंग नहीं की या रेस्टोरेंट में नहीं गए या अपने हॉलिडे के लिए नहीं गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके कारण अगर केस इतने ज्यादा बढ़ गए और हमें हमारे ही किसी रिश्तेदार को बेड नहीं मिला हॉस्पिटल में, तो वो फिर हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि जो भी लोग वैक्सीन प्रायोरिटी लिस्ट में है वो जल्दी से जल्दी आगे आके अपनी वैक्सीन लगाएं, जिससे उनकी ये इनकी सब लोगों को वैक्सीन लग जाए और हम और लोगों के लिए फिर ये खोल पाएं। तीसरा, अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण हो जो कोविड के हो, आप डरे नहीं, अपना सबसे आगे आके टेस्ट कराएं, और अगर कोविड है तो आप अपने आप को आइसोलेट करें। सारे जो आपके जिन जिन लोगों के से आप पिछले 2-3 दिन में कांटेक्ट में आए, उन संपर्क में आए, उनसे आप उनको बोलें कि वो अपने या तो टेस्ट कराएं या अपने आप को आइसोलेट करें, जिससे हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक पाएं। अगर हम ये सब चीजें कर पाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम केसेस को फिर से नीचे ला पाएंगे और आस्ता आस्ता इस पैंडेमिक से बाहर निकल पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर गुलेरिया, आप आज तक पर आए उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, जन्मदिन की आपको, हमारे दर्शकों की तरफ से भी। वक्त देने के लिए शुक्रिया आपका।